वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आपका फेज़ टू इंडियन एयरफोर्स का फेज़ टू में क्या होने वाला है, कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें अंदर होती है वहाँ पे जाने के बाद, उस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी जाएगी, बहुत ही डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि वहाँ जाने के बाद कैसे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से क्वालिफाइंग होता है, क्या करना होता है, पूरा डिटेल में आपको चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों देखिए, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो आपका कट ऑफ रहा है, ठीक है, कट ऑफ जो रहा है आपका, जो आपका 37.75 आपका जो है कट ऑफ गया है आपका वाई ग्रुप का, वहीं 36.25 आपका 75 आपका गया है एक्स ग्रुप का, ठीक है। तो ये आपके कट ऑफ की बात हो गई। कट ऑफ तो आपको सभी को पता चलेगा, आपने सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। पहले अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फेज़ टू, ठीक है, फेज़ टू, ठीक है, फेज़ टू की बात करते हैं हम लोग कि फेज़ टू में क्या होने वाला है, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लें फेज़ टू में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप फेज़ टू में जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जब भी गेट पे, जैसे इंडियन एयरफोर्स का जो भी आपका एसी होगा, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पर जैसे ही आप इंटर करोगे, उसके बाद इंटर करने के बाद आप लोगों को लाइन लगवा दिया जाएगा और आपका चेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा, ठीक है। आपको सबसे फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, आपका अपना चेस्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और चेस्ट नंबर देने के बाद, वही मैं बताता हूँ, सुबह मॉर्निंग के 6:30 के आसपास जो है आपको चेस्ट नंबर देने के बाद और आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपको 50-50 बच्चों को लेके, एक एक रो में 50-50 बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। 50 बच्चों को लेके उनको चेस्ट नंबर देने के बाद रनिंग स्टार्ट होगी आपकी, और जो आपकी रनिंग होगी, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, रनिंग जो आपकी होगी वो 1600 मीटर की होगी, ठीक है, 1600 मीटर की होगी और 6:30 मिनट में, ठीक है, 1600 मिनट में 650 मीटर, मतलब 6:30 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और आपको बता दें, जो आपका रनिंग का मार्क्स होता है, या आपका कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाता, आपको इसका कोई मेरिट नहीं, बस आपको ओनली जो है रनिंग को क्वालिफाई करना, ओनली आपको रनिंग को क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो, 10 मिनट बाद जब सबका रनिंग हो जाएगा, जो भी बैच होगा, 1, 2, 3, 4 बैच, ज़्यादा नहीं होता, वैसे 200 या 250 बच्चे होंगे ज़्यादा, मतलब 5 बैच आपका, लेटेस्ट 5 बैच या 4 बैच, 3 बैच ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे आपके बैचेस होंगे, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपका सिटअप होगा, ठीक है, 10 सिटअप और पुशअप होगा, ठीक है, 10 पुशअप, ये चीज़ें हो जाएंगी। और ये होने में आपका करीब 12 बजे तक, यानी 12 PM तक आप सबकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद फिर आपका जो है शुरू होता है अडाप्टबिलिटी टेस्ट टू। अडाप्टबिलिटी टेस्ट टू में क्या आता है आपका, ठीक है, अडाप्टबिलिटी टेस्ट टू किसको बोलते हैं, इसमें देखिए आपका हम स्टेप टू स्टेप समझाएंगे। इसमें पहला चीज़ आपका आता है अडाप्टबिलिटी टेस्ट में 1, एक आपको पेपर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल के, ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, नॉर्मली सभी को दिया जाता है और सब लोग बच्चे जितने होते हैं कैंडिडेट्स वहाँ पे करके, ये जो है जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद सेकेंड आपका आता है, सेकेंड स्टेज जो आता है अडाप्टबिलिटी टेस्ट का, वो आपका आता है GD, ठीक है, आपका GD आता है, जिसमें आपके एक एक ग्रुप में आपके 8 से 10 बच्चे, 6 से 8 बच्चे, 8 से 10 बच्चे, ठीक है, 6 से 10 बच्चे, हम एक रेशियो ले लेते हैं, 6 से 10 बच्चे या फिर 8 से 10 बच्चों, सॉरी 6 से 8 बच्चों के बीच में वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आपको बिठाया जाता है और आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे आपका डिजिटल इंडिया हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटिशियन हो गया, मतलब आपको कोई ना कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको डिस्कस करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, GD में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोग जैसे क्या होता है, जब हम बैठते हैं, ठीक है, तो बोलना शुरू करते हैं GD में, से मान लो हम 4 लोग हैं, ये टेबल हमारी है और 4-5 लोग हम बैठे हैं GD में, तो क्या होता है जब हम लोग बात करना, आप किसी की बातों को काटिएगा नहीं, जैसे मान लो कोई बात बोल रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें बोल रहा है, उसको अपनी बात पूरा कंप्लीट रखने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप अपनी बातों को रखिएगा, किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आपके हाथ पैर हो गए, जूते, ये आप एक प्रॉपर जो है लोअर और टी शर्ट में जाइएगा और स्पोर्ट्स शूज में जाइएगा, ठीक है, ज़्यादातर कुछ और करने की जरूरत नहीं, और बाल वाल अपना ठीक ठाक से कटवाटवा लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आपका लुक जो है अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात, आप लोग अपने हाथ वगैरह को एकदम एक जगह पर स्थिर रखिएगा, कहीं पर हिलाई हिलाएगा मत, और सिंपल तरीके से अपना पॉजिटिव होकर अपना GD दीजिएगा, पक्का 100% आप लोग क्वालिफाई होगी। और इसके बाद लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा आता है थर्ड स्टेप अडाप्टबिलिटी टेस्ट में, हमारा आता है साइको, ठीक है, साइको टेस्ट, ठीक है,
साइको टेस्ट। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या 25 क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो कोई निर्धारित नहीं होता कितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, वो आप लीजिएगा, आप क्वेश्चन दिए होंगे और जो आपकी सोच, कहीं से कोई सोची उचिएगा मत या कोई कुछ कहता तो उस पर आप पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सोच रहती है, जो आपकी जेन्युइन सोच है, जो आप सोचते हो, ठीक है, उन चीज़ों को आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिल कर दीजिएगा, जो आप सोचते हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सिचुएशन बनती है आप वही करिएगा, ठीक है, उसको लिखिएगा, कहीं से कोई नकल मार के या कहीं से कुछ और सोच के या किसी को देख के बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, ठीक है। जो आपका जेन्युइन सोच है, जो आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में, जो आपको हो सकता और कहीं से रटोट के भी मत जाइए, बुक वगैरह से रट के जाए, ठीक है, जो वो आपकी सोच है, जो आप, इसीलिए मैं इस चीज़ पर बार बार जोर दे रहा हूँ, जो आपकी सोच है, जो आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, जो आपको समझ में आता है, वही चीज़ आप सेम उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, पक्का 100% अगर आप अपनी सोच पे जाओगे और अच्छे से करोगे तो आप उसमें क्वालिफाई होगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, आप 100% उसमें अपना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का डे एंड हो जाएगा और फिर उसके बाद जब आप इसको देख आओगे तो आपको अगर मान लो इसमें क्वालिफाई होते तो आपको एक महीने के अंदर, मतलब एक महीने से 25 दिन के बाद जो है आपको मेडिकल की डेट दी जाएगी, ठीक है, और मेडिकल की डेट जब आपको दी जाएगी तो उसका 25 दिन के 30 दिन के बाद जो भी आपको दिया जाएगा उस डेट को जाकर अपना मेडिकल करवाना होगा, ठीक है। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल में अगर मान लो आप पहले क्वालिफाइड होते हो तो आपको ग्रीन कार्ड, अगर आप एकदम से डिसक्वालीफाइड हो, मतलब ऐसा कोई बीमारी निकल के आता जो नहीं ठीक हो सकता, तो आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा, मतलब आप इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा सकते हो। और आपको एक येलो कार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, एक येलो कार्ड भी दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि आपको 21 दिन के बाद जो है एक नया मेडिकल देना है फिर से, ठीक है, आपकी जो कमियां उसको सुधार करके एक नया मेडिकल देना है। दोस्तों ये पूरा इंडियन एयरफोर्स का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, ठीक है, फेज़ टू का, ये आपके फेज टू का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, और उसका जो लिंक है आपको बता देता हूँ, airmanselection.gov.in, ठीक है, airmanselection.gov.in, ये आप सभी को पता होगा, मैंने एक बार दोबारा चर्चा कर दिया है। और आपको सरकारी रिजल्ट से भी आप इन चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, इसके अलावा आपके ईमेल पे भी, जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया उस पे भी ये चीज़ें आ चुकी होंगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है फेज टू में, ठीक है, आप अपना मार्कशीट ले जाइएगा 10th और 12th की, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट ले जाइएगा, एक डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होता है, निवास प्रमाण पत्र, उसको ले जाइएगा, ठीक है, और अपने जो भी जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया था और आपका जो फॉर्म भर रखा था, फेज़ वन का एडमिट कार्ड, ठीक है, फेज़ वन का एडमिट कार्ड और आपका जो फॉर्म था, फॉर्म आपने जो फिल किया था उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, दो कॉपी, ठीक है, और 10 फोटो, इतना आपको लेके जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, इतना चीज़ आप लेके जाइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से जाके अपना बिना टेंशन लिए आप लोग अपना 100% दीजिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें अपने कामयाब होंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। डिफेंस क्लासेस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ देता है कि आप लोग जरूर सफल हों, आप लोग कुछ अभी जरूर सफलता मिले, आप लोग अपना 100% उसमें दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जो भी आपके डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से शेयर करिए, उनको भी चैनल से जोड़िए, क्योंकि देखिए चैनल जो है पूरा डिफेंस के फोर्सेस के बारे में आपको एक एक चीज़ों की जानकारी देगा, बहुत बारीक चीज़ों की जानकारी देगा, जो कि नहीं, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस की ही तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं भी एक डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।